हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी काकर। एसएससी काकर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हो आप लोग? ठीक है, सही सा। चलिए, जो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ अपलोड किया था पारामाउंट का, तो आप कमेंट तो नहीं किए, आई थिंक आई आप अटेंड ही नहीं किए होंगे। अगर अटेंड किए होंगे तो कमेंट कर देना कितना आपका मार्क रहा। आपका 200 मार्क्स से, तो आप 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप अटेंड कर पाए, क्योंकि ये आपका असेंशियल पार्ट है। क्योंकि देखिए, आप जब जाओगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए तो आपको 2 घंटा वहाँ पे कंसिस्टेंसली आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा। वहाँ पे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, अभी से भी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें, तो जिन्होंने वो टेस्ट अटेंड नहीं किया है, प्लीज़ जाके वो प्लेस प्लीज़ वो टेस्ट अटेंड कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका कितना मार्क रह रहा है। आप सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, आंसर देख लेंगे, तो वो दूसरा बात हो जाएगा। एंड जब इसका आंसर सोल्यूशन निकलेगा, तब मैं वहाँ पर आपको भी इसके मेरा आंसर से मैच कराऊंगा या फिर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी तो जिन्होंने अटेंड किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कितना मार्क रहा, और जिन्होंने अटेंड नहीं किया है उसको प्लीज़ इनको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अटेंड कर दीजिए, उसके बाद ये सोल्यूशन देख लीजिए। नहीं तो आप अटेंड नहीं करेंगे, वो पेपर नहीं लेंगे तो ठीक है, नहीं यहीं पर वीडियो में एक एक क्वेश्चन आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप खुद सॉल्व कीजिए। आपका ऑनलाइन एग्जाम जैसा भी हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए आपका कल सोल्यूशन सही है या फिर गलत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एंड आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक थोड़ा कम आ रहा है आजकल, प्लीज़ तो लाइक कर दीजिए। ओके, इसलिए मैं ऑलरेडी केडी कैंपस का सीरीज ख़त्म कर चुका हूँ एक का, दूसरे जब हो जाएगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एंड पारामाउंट का आज अभी मिला मुझे, आज सुबह मिला मुझे पारामाउंट का, मेरा दोस्तों ने भेजा था, तो उनका ख़त्म हो गया था तो भेजा था सोल्यूशन के लिए उसके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लेक्चर्स, आज का प्लेटफॉर्म मैथ टेस्ट का। यहाँ पे मैं 17 क्वेश्चन करूँगा। ओके, तो धीरे धीरे 3 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूँगा। ओके, क्योंकि मेरा स्पेस थोड़ा इतना यहाँ पे नहीं है। ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन एक दिया था आपका, इफ़ द फ्रैक्शन 9/13, 2/3, 8/11, 5/7 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन द करेक्ट ऑर्डर क्या है इसका। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में, ओके, अगर हम इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको पता है छोटा से बड़ा तक। ओके, ये आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग क्या है, बड़ा से सबसे छोटा तक। ओके, माइनस इनफिनिटी आएगा। ओके, ये दोनों आपको पता होगा। तो ठीक है, हम असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे सॉल्व किए आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद देखिए मेरा सोल्यूशन। देखिए इसका 2 तरीका होता है। ओके, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा आपको बताने के लिए यहाँ 2 तरीके होता है। मैं एक तरीका बताता हूँ जो आपको पता होगा ही शायद, इसीलिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। पहला तरीका देख लीजिए, आपको न्यूमिनेटर जो है आपका 9/1, जो भी है 9/1, उसके बाद आपका है 9/13 है, सॉरी 9/13, इसके बाद 2/3 है सिमिलर यहाँ, इसके बाद आपका 8/11 है, 5/7 है, ये आपका तो न्यूमिनेटर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब न्यूमिनेटर है ना ऊपर उसको सेम करने की कोशिश कीजिए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर यहाँ पे सेम आ जाएगा। तो अब इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 9 से कुछ मल्टीप्लाई करूँगा, जो देखिए आप 9, 2, 8, 5, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं, अगर एलसीएम ले जाएंगे तो कितना होगा, 9, 18, 40, 80 × 9 मीन्स आ रहा है 720, तो एलसीएम 720। तो 9 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो या फिर ऐसे ही आप 720 ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए 720 आपका क्या 8 से भी डिवाइड होगा, तो आप 720 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 720 करेंगे वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा। अगर 70 नहीं करेंगे तो 720 से हो रहा है, मीन 720 मल्टीप्लाई मल्टीपल को भी होगा, तो 720 का मल्टीपल क्या है, एक 360 है, तो 360 सब कुछ करेंगे तो हमको क्या 360, अगर हम न्यूमरेटर सब कर देंगे तो हमको आसान हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैं 360 लेता हूँ, अगर मैं 360 लिया तो 9 से क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 9 से अगर मैं 40 मल्टीप्लाई करूँगा, सिमिलरली मैं नीचे भी आपका 40 मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 40, सिमिलरली 2 से कितना मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मुझे 180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिमिलरली 3 से भी मुझे 180 मल्टीप्लाई करना, इसलिए सिमिलरली सबको 8 से कितना मल्टीप्लाई करेगा, 8 × 40 × 320 अच्छा 45, 8 से 45 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 5 से आपको कितना, 5 से जाएगा 16 70 72। ओके, 72, सो नीचे भी आपका 72 मल्टीप्लाई, ऐसे आप जो मल्टीप्लाई करके जाएंगे
ओके, आप न्यूमेटर को सेम कर देंगे तो बचेगा क्या आपका, बताता हूँ, 360 अपन इसका बचेगा आपका 520, इसका बचेगा 360 सेकंड में डिवाइड बाई ए हो जाएगा आपका 540, 540 ए हो जाएगा आपका 360 थर्ड वाला डिवाइड बाई 495, ए हो जाए 360 डिवाइड बाई 504। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करें, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा आ गया तो आपको क्या करना है, जिसका डिनोमिनेटर, देखिए सबका डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, याद रखना, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, एंड जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ओके, वो सबसे बड़ा होगा, तो इसी तरह आप याद रखना, जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जिसका छोटा होगा सबसे बड़ा होगा। उसके मिरर्स कर देता हूँ, स्पेस नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे 360, यहाँ पे जो 360 है, यहाँ पे 360 भाई, एक सेकेंड, सॉरी भाई, यहाँ पे 360 भाई कितना है, 540, सॉरी 520, यहाँ पे 360 बाई 540, यहाँ पे 360 बाई 495, यहाँ पे 360 बाई 501। हमको यहाँ पे चेक लीजिए, देखिए सबसे बड़ा क्या है हमारा, 360 बाई 540 है, मीन्स ए सबसे बड़ा है, मीन्स ए सबसे छोटा होगा, एंड सबसे छोटा कौन है, 595, मीन्स ए सबसे आपका बड़ा होगा। यहाँ से इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो एक मेथड है, ओके, इसका आंसर मैं बता दूँ जिन्होंने इसको किया होगा, आई थिंक सबने इसको अटेंड किया होगा। दूसरा मेथड भी मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सबसे यहाँ इसका आंसर होगा 2/3 लेस देन 9/13 ग्रेटर देन 5/7, सॉरी लेस देन 5/7 लेस देन 8/8, मीन सबसे छोटा, उसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके असेंडिंग ऑर्डर हो। ऑप्शन में ए क्वेश्चन में आप रॉन्ग क्वेश्चन था, ऑप्शन में ये नहीं था, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्वेश्चन रॉन्ग था, तो ऑप्शन जिनको पता होगा वो बता, उनको पता चल गया होगा, लेकिन ए तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, इसको याद रखेंगे, एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूसरा तरीका यहाँ पे बता देता हूँ इसी तरीके से, क्योंकि ये छोटा वाला, ठीक है मैं इसको इरेज कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी फिर से लिखना पड़ेगा। ओके, 9/13 2/3 8/11 5/7, आपको क्या करना है, देखिए इसको कहाँ से छोटा कौन सा बड़ा आपको कैसे पता चला कि, देखिए 9/13 आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2/3 है, ए मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ए कितना हुआ, 13 × 2 कितना हुआ, 36, ए कितना हुआ, 90 × 3 कितना, 37, मीन्स 2/3 आपका बड़ा होगा किससे, 9/13 से, याद रखना मैं बता रहा हूँ क्या, 2/3 सॉरी 19 × 3 27, ए 32 36 नहीं, मीन्स 9/13 आपका बड़ा होगा किससे, 2/3 से, यहाँ से हमको पता चल गया। फिर से देखिए आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए, हम इससे करेंगे कि पता चलेगा, देखिए 2/3 × 18 मीन्स सॉरी 2/3, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 22, सबसे बड़ा कौन है, ए, मीन्स 23 से बड़ा होगा हमारा कौन, हमारा 23 से बड़ा भी कौन होगा, 8/11 होगा, तो 8/11 यहाँ पे नहीं रहे, 2/3 यहाँ पे नहीं रहेगा, तो 8/11 देखिए, 8/11 अभी बताया क्या, 8/11 बड़ा होगा किससे, 2/3 से, तो 8/ तो जो हमारा 8/11 है तो बड़ा 2/3 से बड़ा होगा, अगर जो हमारा 8/11 है वो तो 2/3 से आगे आएगा ना, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं, उसके बाद देखेंगे 8/11 एंड 5/7, देखिए ए इससे बढ़ेंगे 55 56, मीन 8/11 आपका किससे बड़ा होगा, 5/7 से बड़ा होगा। ओके, 5/7 यहाँ पे नहीं लिया था क्या, अच्छा सॉरी, तो 8/11 किससे होगा, 5/7 से बड़ा होगा, तो यहाँ से लिख दिए 5/7, यहाँ से तो हमको पता चल गया ना, यहाँ पे क्या बताया था, जो हमारा 8/11 है वो किससे बड़ा होगा, 2/3 से बड़ा होगा, तो 8/11 9/13, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, अभी कौन सा बच गया था, 8/11, अच्छा 8/11 इसे ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी हाँ 8/11 ग्रेटर देन 2/3, इससे 2/3 रहेगा। ओके, इसको करेंगे, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसा होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई किए, तो आप सिर्फ एक नंबर को ही काउंट कीजिए, अगर एक नंबर को काउंट कीजिए मीन्स आप 9/3 से करते जाइए सबको। ओके,
नाइन बाई थ्री मीन्स इसको करेंगे 99, इसको करेंगे 104। अच्छा 104 मीन्स 9/13 किससे बड़ा होगा, 8/11 से आपका बड़ा होगा। ठीक है, इसको 8/11 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 9/13 8/11 से बड़ा होगा। ओके, उसका इससे करिए मीन्स 5/7 आपका बड़ा होगा किससे, 9/13 से। ओके 5/7 आपका बड़ा होगा 9/13 से, मीन्स ए 5/7। एंड यहाँ पे आपका रहेगा, अब यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ओके अब छोटे से करेंगे ना तो 2/3 उसके बाद आएगा आपका 2/3 उसके बाद तो सबसे छोटा ही क्या 2/3 उसके बाद आएगा आपका 9:13 मीन्स इससे ग्रेटर देन 9:13 सॉरी 9:13 ग्रेटर देन 5/7। एंड यहाँ पे 8/11 ग्रेटर देन 9/13 तो 8/11 कहीं यहाँ से आएगा लास्ट में 8/11, तो यही आपका परफेक्ट आर्डर है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक थोड़ा, 2018-10 √3, यहाँ पे ब्रैकेट था सर प्लीज, 2018-10 √3 होल टू दर -1/2 -7+4 √3 होल टू दर -1/2। देखिए आपको अगर पता होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मालूम है, तो उसी फॉर्मेट आपको लाना है। देखिए यहाँ पे 28 है -10 √3, हमको यहाँ पे 10 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 2ab में फॉर्मेट में आना चाहिए, मीन्स यहाँ पे 2 चाहिए। अगर मैं 10 को तोड़ दूंगा, यहाँ पे 28 है -10 को तोड़ूंगा तो 10 इंटू कितना 5 लिखूंगा यहाँ पे √3, तो दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 28-2, ये जो 5 है ना ये अंदर चला जाएगा तो डबल हो जाएगा मीन्स 20 स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 25 हो जाएगा, 25 इंटू 3 का √ओवर। ओके उसके बाद ये देखिए 28- ये हो जाएगा 2 × 75। ओके तो मुझे पता चल गया यहाँ पे अगर मैं किसका स्क्वायर करूँगा 25+3 कितना होता है 28 होता है, एंड 25 × 3 क्या होता है 75 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 25 मीन्स 25 का रूट ओवर क्या होता है 5 5-√3। ओके 5-√3 यहाँ पे मिल गया हमको 5-√3। तो अभी ये तो हमको 5-√3 में फिर इसको करेंगे, इसको देखिए ये तो पूरा 7+4 ये देखिए यहाँ पे प्लस था शायद यहाँ पे प्लस था। ओके 7+4 √3 का होल टू दर -1/2। देखिए 7+√3 क्या होता है 7+√3 होता है आपका 2 तो अंदर लाएंगे तो 7+2 अंदर लाएंगे तो 2 ये हो जाएगा 6 2√6 7+2√6 तो 7+2√6 आपका हो जाएगा 6 × 1 करेंगे तो आपका परफेक्ट मिल जाएगा मीन √6+√1 6+1 है एक कितना होगा देखते हैं 2√3 होगा ना 2√3 4 × 2√3 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यहाँ पे 2√3 तो आंसर हो जाएगा। ओके इसको तो पता चल गया 5√5 कैसे होगा, इसको इरेज करता हूँ, इरेज किया इसको, यहाँ पे दिया है 7+4√3 तो मैं सेम प्रोसेस बोला यहाँ पे 7+4√3 का यहाँ पे क्या है रूट ओवर है मीन्स 1/7+√3 है। ओके ऐसे फॉर्मेट में किंतु -1/2 है ऊपर है तो 7+ आपका जो 4√3 है इसको हम कैसे करेंगे ना, मुझे तो 2 चाहिए ना तो 7+2 ये जो 2 और बचेगा वो अंदर जाएगा 4 हो जाएगा मीन्स 4 × √3 मीन्स 4√3 मान लो 4 × 3। ओके दैट इम्प्लाइज 7+2 देखिए 4 का रूट ओवर क्या है 2 होता है, 4 का रूट ओवर ही तो 2 होगा ना, तो ये कितना होगा 2 × 2 मीन्स 4√3 7+4√3 फिर से आ गया। बट हमको क्या चाहिए इसको 2 में फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। अगर कैसे हमको करेंगे, अगर इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह ना करके 2+√3 करेंगे हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा मुझे। यस यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे पूरा पता चल जाता है, यहाँ पे कैसे पता चल जाता है यहाँ पे 2 × 2√3 है ऐसे फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, 2√3 को हम तोड़ सकते हैं यहाँ पे कैसे, अगर मैं 7 को कैसे लाऊंगा, अगर 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करूंगा तो पूरा डायरेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4+√3 का 3 मीन 7 ये तो आ गया, एंड 4√3 2 × 2 × √3 4√3 यहाँ पे फॉर्मेट में आ गया तो यहाँ पे मिल गया आपको 2+√3। इसका टोटल का फॉर्मूला क्या है 2+√3
1/2 + √3। तो अभी यहाँ पे 2 - √3 आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आपको नीचे भी 2 - √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा आंसर यहाँ पे निकलना है। अब बता दूँ यहाँ ये आंसर आपका क्वेश्चन गलत था, तो आप आंसर निकाल के देख लीजिए। देखिए इफ एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, ये तो आप इधर पॉजिटिव रियल फ्रैक्शन नंबर मीन्स आपका 1 ले सकते हैं, 1 ले जाइए। तो 1/1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन है 1/1 + 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में पुट, ऑप्शन सी में पुट कीजिए 1 + 1 मीन 2/1 मीन्स ये 2, ऑप्शन सी आपका 2 हो जाएगा। एंड ये कितना देखिए ऑप्शन डी से पुट कीजिए x + 2 मीन 3/4, 3/4 जितना होगा आपका 0.75 सत्य होता है, 0.75 समथिंग होता है, 0.75। तब यहाँ पे वैल्यू मिल गया आपको, यहाँ से पता चलना है कौन सा ग्रेटर सबसे बड़ा हो जाएगा, पर सबसे बड़ा आई थिंक ए हो जाएगा आपका 2 वाला ऑप्शन सी। ओके x + x/x + 1। ओके नेक्स्ट देखिए, ऑन ए ग्रुप ऑफ स्वान्स 7/2 times द स्क्वायर। अच्छा, ऑन ए ग्रुप ऑफ स्वान्स 7/2 times द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स आर प्लेइंग ऑन द सोर्स ऑफ द पॉन्ड, द टू रिमेनिंग आर इनसाइड द पॉन्ड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स। वो पूछ रहा है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में इन वन ग्रुप ऑफ स्वान्स मीन्स कुछ ग्रुप का स्वान था उसमें 7/2 times द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स मीन जो नंबर था उसका 7/2 times आर प्लेइंग ऑन द सोर ऑफ द पॉन्ड, सोर मीन्स उसका जो तट में। ओके, एंड द टू आर रिमेनिंग इनसाइड द पॉन्ड, इनसाइड द पॉन्ड मीन अंदर खेल ले। वो बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, इजी क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है 10, 14, 12 and 16। तो मैं मान लूँ यहाँ पे ऑप्शन मेरा सबसे मैं बड़ा पहले मान लेता हूँ, ऑप्शन 16 मान लेता हूँ सबसे बड़ा, चेक कर लेते हैं इसको। सपोज मेरा 16 है, ओके 16 है टोटल नंबर स्वान्स। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर स्वान्स, 16 है। वो बोला 7/2 times द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स आर प्लेइंग ऑन द सोर्स मीन 7/2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है। एंड यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसका भी नहीं निकल सकता। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 16 ही करेक्ट होगा, आग बंद करके आ जाइए। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट किसका भी निकल नहीं सकते, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ओके, तो चलिए फिर से चेक कर लेते हैं स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 मीन्स 2 * 2 कितना होता है 14, मीन्स टोटल नंबर 14 आर क्या करते हैं ना सोर पर खेल रहे हैं। एंड 2 रिमेनिंग, एंड बचा कितना, टोटल 60 है यहाँ पे 14 है, 2 तो रिमेनिंग बचा ना, तो हमारा ऑप्शन ठीक है, पूरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिमाइंडर व्हेन 7/84 सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन 7/84 384 शायद नहीं 7/84 / 342। अगर इसको हम डिकारेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे कोई बताएगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है 7 का क्यू क्या होता है, आपका 7 का जो क्यू होता है आपको डायरेक्ट हमको पता है वो 343 होता है। ओके ओके, हम इसको ये भी आपका 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ को 7 का क्यू फॉर्म में ले सकते हैं। अगर 7 का क्यू फॉर्म में सॉरी 7 का क्यू फॉर्म में इसको लूँगा, 7 का क्यू होल टू द्वारा कितना हो जाएगा 80 जाएगा, तो 28 डिवाइड बाई 342, ये बच गया हमारा, ये कितना हो गया ऊपर 343 डिवाइड बाई 342 होल टू द्वारा 28। तो इसका रिमाइंडर देखते ही पता चल गया, देखिए 342 से अगर 343 को मतलब डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके, तो 1 बचेगा, 1 * 8 कितना होता है, तो रिमाइंडर आपको इक्वल टू 1। अगर ऐसा नहीं होगा आपको देखिए 343 आपको ऐसे 28 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद उसको 342 डिवाइड से करना पड़ेगा, एक इच नंबर को तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, इच नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 1, इस पे 1 ऐसे 1 1 जाके भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसे रिमाइंडर लगा सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर प्रिपेयरिंग फॉर ए ड्रिल एंड आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देन देयर वुड बी लो लेस बट देयर वुड बी 4 मोर रोज इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज हाउ मच। ठीक है, बोला द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रिल एंड द मेड द स्टैंड इन ए रो इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देन देयर वुड बी 2 रोज लेस बट देर वुड बी 4 मोर लोज इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास किया। ठीक है, इसका आंसर करें बोले द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर प्रिपेयरिंग फॉर ए ड्रिल। ओके, वो कुछ स्टूडेंट थे वो ड्रिल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड आर मेड टू स्टैंड इन ईयर एंड